हमारी पृथ्वी पर महासागरों का क्षेत्रफल 71% है और महाद्वीपों का 29%। और पृथ्वी पर निवास करने वाली जनता जनसंख्या ज़्यादातर तटीय भागों में भी निवास करती है क्योंकि वहाँ की जलवायु मृदुल है। अब हमको यह समझने की ज़रूरत है कि कोस्ट तट और शोर को भी हिंदी में तट कहा जाता है। कोस्ट और शोर में क्या अंतर है, बेस लाइन क्या होती है, क्योंकि यदि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सी लेवल राइज कर रहा है, मेन सी लेवल में परिवर्तन हो रहा है, तो हम जब तक बेस लाइन नहीं समझेंगे, शोर कोस्ट की परिभाषा नहीं समझेंगे, तब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कोस्ट शोर कोस्ट और शोर लाइन में डिफरेंस होता है। ये है आपका लैंड और ये है वाटर बॉडी। वाटर यहाँ तक है, ये जो लिखा है बेस लाइन, इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा वाटर से फिल्ड है, ओशन है। और ये बेस लाइन के सीध में ही एक लिखा हुआ है डेटम प्लेन, अर्थात डेटम प्लेन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है, जो बेस लाइन की सीध में होती है। और डेटम प्लेन के ऊपर को लैंड कहते हैं और डेटम प्लेन के नीचे को सी कहते हैं। इसी डेटम प्लेन या बेस लाइन पर एक पिलर होता है, नीलोमीटर कहा जाता है, और उसमें नीलोमीटर में ज्वार का पानी मैक्सिमम जितना जाता है और मिनिमम जितना जाता है उसी के एवरेज को सी लेवल कहते हैं। और वही है परमानेंट कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन इज अ परमानेंट लाइन जो कि लैंड वर्ड लिमिट है, सी की, समुद्र की स्थल की तरफ की सीमा है। जबकि शोर लाइन यह मूविंग फिनोमेना है, शोर लाइन हमेशा स्थानांतरित होता है। यदि समुद्र में न लहरें होती और स्पेशली न ज्वार भाटा होता तो समुद्र इसी बेस लाइन या इसी कोस्ट लाइन पर परमानेंट रहता, स्थिर रहता। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि महासागर के जल में ज्वार ना आए। चंद्रमा है ना, सूर्य है ना, उनमें टाइडल फोर्स होता है और चंद्रमा के कारण जल आकर्षित होकर ऊपर उठता है। और कोई भी चीज़ ऊपर उठेगी तो छूटने के बाद जब आकर्षण ख़त्म होगा तो नीचे भी जाएगी। इसलिए चंद्रमा जब अमावस्या और पूर्णमासी को सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है या अपोजिट चला जाता है, अर्थात वियुति और युति की स्थिति में उच्च ज्वार आता है। उच्च ज्वार में जल का स्तर इस बेस लाइन या कोस्ट लाइन से ऊपर उठता है और यहाँ तक पानी आ जाता है। इसके ऊपर पानी कभी नहीं जाता है। और यहाँ तक पानी आ जाएगा तो इसको कहा जाता है हाई वाटर लेवल ऑफ स्प्रिंग टाइड, उच्च ज्वार का उच्च जल स्तर। और यहाँ पर समुद्र का जल चढ़ जाता है और इतना स्थल ढांक जाता है। लेकिन जो जितना ऊपर चढ़ता है उतना ही छूटने पर नीचे गिरता है। जैसे ही चंद्रमा हटा ये जल नीचे जाएगा और यह चलाएगा एकदम निचले भाग में, और यह चलाएगा जो लो वाटर ऑफ स्प्रिंग टाइड है। तो स्प्रिंग टाइड उच्च ज्वार का निम्न बिंदु, इसको एब भी कहा जाता है। इस तरह से इसका रेंज यहाँ टॉप से और बॉटम तक होगा। हाँ, इसके नीचे जल अब कभी नहीं जाएगा, जल की मिनिमम लिमिट यह है। और मिनिमम लिमिट यह है तो यह यहाँ तक जल का रेंज रहेगा, ये समुद्र के जल से परमानेंट ढका रहेगा। अब हमेशा उच्च ज्वार या स्प्रिंग टाइड नहीं आता है, 24 घंटे में दो बार ज्वार आता है। लेकिन अमावस्या और पूर्णमासी के अतिरिक्त जो दो अलग ज्वार आते हैं
उनका रेंज कम होता है। जैसे यहाँ पर जो आया, तो जब चंद्रमा अमावस्या और पूर्णमासी नहीं होगा तब बेस लाइन से ज्वार केवल इतना ही उठेगा और ये होगा एवरेज ऑर्डिनरी लो टाइड, मतलब औसत सामान्य रूप से निम्न ज्वार का हाई पॉइंट है और जल यहाँ तक आ जाता है। लेकिन जब यह टाइड छूटेगा तो उतना नहीं गिरेगा नीचे जितना कि ऊपर उठने वाला ज्वार गिरा था। तो सामान्य ज्वार की अपर लिमिट ये होगी और सामान्य ज्वार की लोअर लिमिट ये होगी। इस तरह से जैसे किसी थाल में भरे पानी में आप बहुत तेज़ी से हथेली को पटकें तो थाल का पानी बहुत तेज़ी से ऊपर उठेगा और नीचे जाएगा। ये रहा हाई टाइड का एग्जाम्पल। लेकिन थाल के पानी पर हथेली धीरे से पटकें तो पानी में कम उतार कम चढ़ाव होगा, अर्थात लो टाइड। बस थाल का पानी इसी महासागर को मान लीजिए और हथेली की चोट टाइडल इम्पैक्ट ऑफ मून चंद्रमा के ज्वारीय प्रभाव को मान लीजिए। अब आपका ये यहाँ पर बेस लाइन है और बेस लाइन पर आप खड़े हैं। आप यदि सैलानी हैं, यदि आप पर्यटक हैं और समुद्र को देखने गए हैं तो आप कहाँ पर खड़े होंगे? जहाँ पर समुद्र की लहरें होंगी, उसकी वेव टाइडल वेव यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ ऐसे घूमती हैं, इसके नीचे नहीं जाती हैं, ये परमानेंट पानी से ढका रहता है और नेवर अनकवर्ड बाई वाटर, इसको सब लिटोरल जोन कहते हैं, जो पानी से हमेशा ढका रहता है। अब आप बताइए इस पर पर्यटकों के लिए आपको एक दुकान खोलना है जहाँ पर आप चाय पकौड़ा बेच सकें, तो आप ए स्थान पर खोलेंगे, बी पर, सी पर, डी पर, ई पर, कहाँ खोलेंगे? अंदर तो खोल नहीं सकते, वहाँ की ग्राहक तो मछलियाँ होंगी, मेंढक होंगे, इसलिए इसी में एक निशान लगाइए आप। तो यहाँ तो महीने में दो बार पानी आएगा अमावस्या और पूर्णमासी को, तो पर्यटक यहाँ पर जब हाई टाइड आएगा तभी यहाँ रहेंगे, क्योंकि हाई टाइड में अगर इसके अंदर आए तो उनके जूते पानी से भर जाएंगे। लेकिन सामान्य रूप से प्रतिदिन तो ज्वार यहाँ तक आता ही है, और अगर यहाँ तक ज्वार आता है तो आप चाय समोसे की दुकान यहीं पर कहीं लगा लीजिए, क्योंकि यहीं तक टूरिस्ट आएंगे और यहीं से नज़ारा देखेंगे समुद्र की लहरों का। किधर मुँह करके देखेंगे, समुद्र की तरफ मुँह रहेगा कि पीठ रहेगी? समुद्र तरफ मुँह रहेगा, क्योंकि चंचल चीज़ों की तरफ ही व्यक्ति का मुख होता है। तो यहाँ अगर खड़े हो गए तो समुद्र तरफ देख रहे हैं, ये आपके बैक में हो गया, इसलिए इसको कहा जाता है बैक शोर। बैक शोर माने लहरें जो कि टेम्परेरी हैं, कुछ समय के लिए पहुँचती हैं, तो लहरें यहाँ तक आती हैं, इसलिए आपके पीछे हो गया बैक शोर। लेकिन आपके सामने पूरा हो गया फोरशोर। फोरशोर माने अग्रशोर, क्योंकि कभी लहरें यहाँ शोर मचा रहे हैं, कभी यहाँ शोर मचा रहे हैं, कभी यहाँ शोर, कभी यहाँ शोर। हिंदी में गीत है ना, शोर नहीं बाबा शोर, यही शोर मचता है। और इसी में हीरो हीरोइन को भागते हुए आत्महत्या करने के लिए खदेड़ कर पकड़ता है कि कहीं लहरों में न समा जाए, यही है बीच। लेकिन इस पर वो हीरो हीरोइन भागेंगे तो बालू में गिर पड़ेंगे, ये पानी की लहरें इसी के बीच में आती हैं, इसलिए होता है फोरशोर। और फोरशोर के बाद ये होता है आपशोर। आपशोर माने यहाँ से अब आप समुद्र की लहरों को ही देख पाएंगे, शोर आप हो गया, मतलब अब इसके नीचे समुद्र की लहरें शोर नहीं करेंगी, आवाज़ नहीं होगी, इसलिए इसको आप शोर कहा जाता है। जैसे आप किसी को सी ऑफ करते हैं, सी माने देखना, ऑफ माने कब तक, जब तक वह अंत में दिखाई पड़े, जब वो दिखाई पड़ना बंद हो जाता है तो आप जान जाइए सी ऑफ हो गया।
इस तरह से ये आपसोर रहा, और आपसोर के बाद यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं ये बैकसोर, ये फोरसोर। अब बैकसोर के पहले आनसोर, आनसोर, बैकसोर, फोरसोर, आपसोर। सोर का क्या मतलब है? जो वेव या टाइड द्वारा, स्पेशली टाइड द्वारा जो लहरें चलती हैं उनकी हाइट को दिखाता है। और शोर का एक और इम्पॉर्टेंस है, जब हम पेट्रोलियम की ड्रिलिंग करते हैं तो एक आनशोर ड्रिलिंग होती है, एक आपशोर। आनशोर ड्रिलिंग ये है, यहाँ पर हम पेट्रोलियम जो निकालते हैं तट पर, वर्ल्ड में कोस्ट पर बहुत पेट्रोलियम मिलता है, और बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम आपशोर माने समुद्र के अंदर कोस्टल पार्ट में या सब लिटोरल जोन में भी या कॉन्टिनेंटल सेल्फ पर भी मिलता है। जिस तरह से ये रहा शोर का। अब इसमें शोर को अपर शोर, मिडिल शोर, ए भी मिडिल शोर, ए लोअर शोर में भी बांटा जाता है। कुल मिलाकर के ये अपर शोर हो गया जो नॉर्मल हाई टाइट से और स्प्रिंग हाई टाइट के बीच है, और ये हो गया नॉर्मल, ये नॉर्मल लो टाइट से और ये स्प्रिंग लो टाइट के बीच का हो गया। तो ये अपर शोर, ये लोअर शोर, ये दोनों मिडिल शोर। यही मिडिल शोर ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम लोग जब कोस्टल लैंडफॉर्म, इरोजनल और डिपोजिशनल सीखने लगेंगे। और आन शोर को स्प्लैश जोन भी कहा जाता है। स्प्लैश माने बूंदाघात, बूंदाघात अर्थात वर्षा की बूंदें यहाँ आएंगी तो इनकी चोट से यहाँ पर चट्टानों में या मिट्टी में गड्ढे बन जाएंगे छोटे छोटे, उसको स्प्लैश इरोजन कहा जाता है, और इस पेटी को स्प्लैश जोन कहा जाता है। लेकिन वर्षा का जल बाई चांस यहाँ आया और एक छोटा सा गड्ढा बना दिया इस पर से इरोजन, तो चंद मिनटों में ही यहाँ से आने वाला टाइट उसको मिटा देगा। यहाँ पर ज्वार का जल आएगा नहीं, मिटेगा नहीं, इसलिए इसको स्प्लैश जोन कहते हैं। हम लोग आइए देखते हैं कि इसमें एक शब्द और है बीच, और बीच को समझने के लिए हमको देखना होगा कि हम लैंड कहाँ से लें और वाटर बॉडी कहाँ से लें। हर महाद्वीप का, हर देश का एक क्षेत्रफल निकाला जाता है, जबकि उसके पास अगर तट है तो तट पर, कोस्ट पर ये शोर जोन होता है जैसा कि आपने देखा। तो कॉन्टिनेंट का एरिया क्या इसके ऊपर से निकाला जाए या इसके ऊपर से निकाला जाए, ये निर्णय आपको लेना है। तो दोनों नहीं ठीक है। कॉन्टिनेंट का एरिया ये बेस लाइन या कोस्ट लाइन को आधार बना के निकाला जाए, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ पर एक आप अगर पिलर लगा लेंगे तो हाईएस्ट टाइट का और लोएस्ट टाइट का एवरेज ही बेस लाइन होता है। इसका मतलब किसी देश के क्षेत्रफल का मापन बेस लाइन से ऊपर किया जाता है, और यह पार्ट, इसके ऊपर का पार्ट कॉन्टिनेंटल एरिया में आता है और इसके नीचे का पार्ट ओशनिक एरिया में आता है, क्योंकि ये वेटलैंड में भी आता है। वेटलैंड में तो पूरा ही आता है, लेकिन ये ज़्यादा समुद्र के प्रभाव में और ये ज़्यादा स्थल के प्रभाव में। लेकिन कुल मिलाकर एक कॉमन मैन के लिए तो दोनों बीच ही है। बीच माने ना तो बीच माने यहाँ का लैंड पार्ट हो गया और यहाँ का वाटर पार्ट हो गया। बीच माने कभी ये खुल गया, पानी यहाँ आ गया, और कभी ये ढक गया, बीच में है। जैसे कुछ लोग बीच के होते हैं, अर्थात कुछ लोग कपड़े से अपना पूरा शरीर ढके रहते हैं, और कुछ लोग कपड़ा विहीन होकर के पूरा नागा और दिगंबर होते हैं, लेकिन कुछ लोग बीच के होते हैं अर्थात आधा शरीर ढके हैं और आधा खोले हैं। इसी तरह से यह भी बीच है, और बीच मटेरियल होता है। जब समुद्र की लहरें आती हैं तो इस भाग से कटाव करके और जाते समय यहीं पर जमा कर देते हैं,
जिसको बीच मटेरियल कहते हैं, हम लोग मरीन इरोजन में अभी पढ़ेंगे कि किस तरह से समुद्र की लहरें यहाँ पर कटाव करती हैं और यहाँ पर निक्षेप करती हैं। तो यहाँ इरोजनल लैंडफार्म और यहाँ डिपोजिशनल लैंडफार्म। लेकिन आइए हम लोग बीच पर बीच के लोगों का एक नज़ारा देख लेते हैं। फॉरेन के लोग आते हैं और यहाँ पर अर्धनंगी अवस्था में आराम से लेट गए और समुद्र की लहरें आई, उनको स्नान करा के चली गई। इस तरह से प्रकृति का आनंद लेने आते हैं। भारत में पश्चिम और पूर्वी तट पर कई बीच हैं जिसमें फॉरेनर आके और अपनी अर्धनंग अवस्था को भारतीयों को दिखाते हैं। अब आपसे एक प्रश्न बनता है कि क्या विदेशी सैलानियों को भारत में आने देना चाहिए कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसका एक फायदा भी है, पर्यटन से भारत की आर्थिक आय होती है। नंबर दो, भारतीय संस्कृति पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, इसलिए हो सकता है कि इंटरव्यू में या आपको इसको डिस्कशन के लिए लिखने को यूपीएससी पूछ ले, तो इसका जवाब एकदम क्लियर रखिएगा। यदि आप इनको नहीं आने देते हैं तो बहुत बड़ा मॉनेटरी लॉस होगा, विदेशी मुद्रा नहीं पर्यटन से प्राप्त होगी, और अगर आने देते हैं तो भारत में हमारे छोटे छोटे बच्चे उसको देखते हैं और हमारी संस्कृति का लोप हो रहा है। तो आप बताइए आपका निर्णय क्या होगा यूपीएससी के सामने? अस्पष्ट है, पैसा होना चाहिए चाहे जिस कीमत पर, पैसा आए बस विदेशियों से इनकम हो, लेकिन जिस कीमत पर नहीं, हमको अपनी संस्कृति की कीमत तो चुकाना नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है, जब क्रॉस क्वेश्चन आपसे होगा कि संस्कृत का हमारा डिटेरेशन ह्रास हो रहा है, तो उत्तर स्पष्ट है, आप सीधे कह दीजिएगा कदापि नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति सनातन काल से बहुत मजबूत है और बाहर के बहुत लोग आए लेकिन इसी में या तो समाहित हो गए या तो हमसे सीखे, हमारी संस्कृति को कोई आज तक बदल नहीं पाया। इसलिए इसमें दो टूक शब्दों में आंसर दे दीजिएगा कि विदेशी पर्यटक को यहाँ बढ़ावा देना चाहिए। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि विदेशी क्यों भारत में ही आते हैं बीच में? क्या उनके यहाँ बीच नहीं है? क्या अपने यहाँ एंजॉय करें? जापान के लोग, ब्रिटेन के लोग, कनाडा के लोग क्या करने इंडिया में आते हैं? तो इसका भी उत्तर आप ज्योग्राफिकल समझ जाइए, क्योंकि जो उच्च अक्षांश के कंट्रीज हैं, देश हैं, वहाँ पर ठंडा वातावरण है और ठंडे वातावरण में बीच तो है, लेकिन अगर हाफ नेकेट अर्धनग्न होकर चले जाएं तो शायद वह सिकुड़ जाएंगे, उनकी ठंडक लग जाएगी। लेकिन भारत में क्यों आते हैं? यह ट्रॉपिकल कंट्री है, उष्णकटिबंधीय देश है और समुद्र का जल 25 डिग्री सेल्सियस का औसत टेम्परेचर लिए रहता है, धूप अच्छी रहती है, इसलिए ट्रॉपिकल रीजन अर्थात भारतवर्ष और उस क्षेत्र के अन्य देशों के बीच बहुत ही आकर्षक होते हैं। इसलिए ठंडे देशों के लोग बीच का लुत्फ लेने निम्न अक्षांश के देशों में आते हैं। तो ये रही चीज़ें जो कि हम कोस्ट लाइन, बेस लाइन, डेटम प्लेन और ये बीच के बारे में सीखें।